अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा रमज़ान व्लॉग के। मैं ग्रोसरी खरीदा था रमज़ान के लिए, तो आज मैं आपको वहीं सब दिखाने वाला हूँ। तो पिछली वीडियो में आपने देखा पापड़, तो आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगा ग्रोसरी, वो भी रमज़ान व्लॉग का। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैंने दो पेप्सीज ली थी, रियल मैंगो एंड स्ट्रिंग एनर्जी। जैसे कि आप जानते होंगे स्ट्रिंग एनर्जी बहुत यूज़ होता है। एंड हमने राइस लिया था, और क्योंकि रमज़ान एक महीने का होता है इसलिए हमने वो भी लिया था। और यहाँ पे हमने लिया है पल्स, तो पल्स की भी बहुत सारी वैरायटियाँ होती हैं। चलिए अब हमने मॉल से शॉपिंग किया तो हम उसे दिखाते हैं। तो देख सकते हैं ये है ब्रेड, हम जाम में ब्रेड में जाम लगाते हैं और वो बहुत टेस्टी बनता है। हम टिफिन के लिए अक्सर उसको यूज़ करते हैं। यहाँ है पनीर सुधा कंपनी का, एंड यहाँ है चोको जो हम दूध में डाल के खाते हैं। ये बहुत अच्छा लगता है जब हम दूध में डालते हैं इसे, तो दिखा सकता हूँ आपको। ठीक है, दूध का सॉलिड डोस इसे कहते हैं। एंड आगे हम देखते हैं तो यहाँ है खजूर, सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि खजूर खाना सुन्नत है। एंड हमने ये भी ख़रीदा था खजूर भी, और देख लेते हैं ये देख सकते हैं सेवई है, ये रेडीमेड सेवई है। एंड हम इसे लिए हैं, हम सादा सेवई जो होता है उसे भी लेंगे तो अभी नहीं। और यहाँ है मेरा मिर्च पाउडर, ठीक है, और ये गोल्डी मसाला का है। चलिए और देखते हैं, ये है मेरा विम जो लिक्विड फॉर्म में है जिससे हम बर्तन धोते हैं। एंड ये है हमारा धनिया पाउडर, गोल्डी कंपनी का ये भी है। एंड और देखते हैं, ये है भी एक पल्स, ये भी एक पल्स की वैरायटी है। हाँ, बहुत सारे पल्स की वैरायटी होती है, देख सकते हैं ये भी है। सब अलग अलग हैं पल्स, और रमज़ान में भी ज़्यादा खर्च होता है क्योंकि इफ्तारी में ज़्यादा सामान रखते हैं। एंड यही चीज़ ये भी है तो हमने एक्स्ट्रा लेकर रख लिया है, तो हम इसे साइड में रख देते हैं, तो कभी कभी स्टॉक में रख देते हैं इसे। और देखते हैं, ये देख सकते हैं ये मेडिगोल्ड बिस्कुट है, ठीक है, और ये है साबुन, ठीक है। ये हमने देखा तो ख़रीद लिया इसे, नया कंपनी। एंड ये है एसी सेकेंड, इसे ये क्या होता है, इससे पॉपकॉर्न बनाते हैं, ठीक है। इसको कुकर में डाल देना है और ये आपका पॉपकॉर्न बनके तैयार हो जाता है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना होता है, आप इसके इंस्ट्रक्शन पढ़ के बना सकते हैं। चलिए, एंड ये है सेंटर फ्रेश जिसमें हम इफ्तारी के बाद खाएंगे तो मूड फ्रेश रहता है हमारा। और यहाँ पे ये है पार्ले जी बिस्कुट जो बहुत पुराना है, एक्चुअली हमें वीडियो बनाना है बिस्कुट पे तो इसलिए हमने ये ख़रीदा है। और देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए ये है रिफाइन जो नेचर फ्रेश है, ठीक है, तो हमें इसे लिया था, ये भी नया कंपनी है तो देखा तो ले लिया हमने। ये हम ज़्यादातर फॉर्चून का ही यूज़ करते हैं। ये बॉनविटा के साथ मिला था फ्री में, इसके साथ फ्री है ये। एंड ये है किड्स ओरल बी, ठीक है, तो ये बच्चों के ब्रश के लिए है। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आपको भी रमज़ान मुबारक। थैंक यू।